सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, दो स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको NFSA कहते हैं और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के समय में। तो ये दो स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में भी जो गरीब बंधु हैं उनको भी, जो मजदूर हैं जिनको आवश्यकता है उनको भी मोदी जी राशन पहुंचा रहे हैं। कितना राशन अभी तक पहुंचाया गया है और कितना पहुंचा है इसका हिसाब किताब हम देंगे। देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी हिसाब किताब में विश्वास रखती है, ड्रामा में नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत आपके सामने जाए। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंतर्गत 37,400 मेट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है और दिल्ली सरकार ने जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है। वे मई जून, अभी जून महीना चल रहा है और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मेट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मेट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मेट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मात्र 68% ही वो बांटने में समर्थ रहे, बाकी वो बांट नहीं पाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे आंकड़े नहीं दिए। पहला आंकड़ा जो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया वो यह है कि ये जो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का स्कीम है इसके अंतर्गत कितना पैसा, ये एक सब्सिडाइज स्कीम है, अर्थात इसका पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमम पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है। अरविंद केजरीवाल जी कितना पैसा देते होंगे, मिनिमम जो पैसा है वो कितना देते हैं और मोदी जी कितना देते हैं? अब देखिए, दो राशनों की बात करेंगे हम, एक तो गेहूं की बात करेंगे और एक हम चावल की बात करेंगे। जहां तक गेहूं का सवाल है, गेहूं अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं गेहूं पे 23.73 रुपीज। कुल मिलाकर गेहूं का जो रेट है, मार्केट रेट है, वो 25.73 रुपीज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में अरविंद केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79, अर्थात केंद्र सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है 3 रुपया। मैं ऑडियो नहीं आ रहा है, इसको अनम्यूट करता हूं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिए, जो अधिकांश रेट है, अधिकांश जो रेट है वह केंद्र सरकार देती है और एक बहुत मिनिमल अमाउंट जो है वो राज्य सरकार देती है, मगर उसमें भी जिस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है यह एक राष्ट्रीय स्कीम है, यह एक नेशनल स्कीम है। ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक यूनिफॉर्म स्कीम के अंतर्गत काम करती है, यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में यूनिफॉर्मली काम करती है।
और कोई भी राज्य इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता है, कोई भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बंद कर दे और अपने तरीके से उसी स्कीम में से स्कीम निकाले। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी वाकई गरीबों के बीच में इसके अतिरिक्त कोई राशन बांटना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो गरीबों का कल्याण करे, इसके ऊपर कर कल्याण करे, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी राशन प्रोक्योर कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार देती है उसके अलावा भी राशन खरीद सकते हैं और नोटिफाइड रेट में खरीद सकते हैं, अर्थात जो रेट मैंने आपको कहा उस रेट के अलावा भी, उस रेट के अलग भी, जिस रेट में बंगाल को मिलेगा, जिस रेट में झारखंड को मिलेगा, जिस रेट में उड़ीसा को मिलेगा, जिस रेट में उत्तर प्रदेश को मिलेगा, उस रेट में भी अनाज खरीद करके वो अलग से अपनी स्कीम चला सकते हैं, वो उसका कोई भी नामांकन रख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो केंद्र सरकार को होगी ना तो किसी को आपत्ति होगी, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जिस प्रकार से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र उनको उनका स्कीम चलाने नहीं दे रही है, ये गलत है। दूसरा विषय है अरविंद केजरीवाल जी का ये जो स्कीम है, जो घर घर राशन वाला स्कीम है, उसमें एक बहुत बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है उसको बड़ी चतुराई के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने छुपा दिया। उसमें एक प्रावधान है कि आप ये जो राशन है जो आप फेयर प्राइस शॉप में पाते हैं, उस राशन को दिल्ली के कुछ एजेंसीज उठा लेंगे और जैसे कि गेहूं है उसको आटा बनाया जाएगा और जैसे चावल है उसकी सफाई की जाएगी और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिल्ली की सरकार लगाएगी। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज के विषय में नहीं बताया गया है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई भी राज्य लगा सकती है, जो केंद्र के नियम है उन्हीं केंद्र के नियम के मुताबिक चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई लगा नहीं सकता है। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस महत्वपूर्ण विषय कि गरीबों से वो कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते थे, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी बताते नहीं है, इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी छुपा देते हैं। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कोई भी केंद्र का जो कानून है, केंद्र का जो स्कीम है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके उसे अलग तरीके से राज्य में रख नहीं सकते। तीसरी बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा कि आप गरीबों का भला चाहते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे राष्ट्र में एक राशन कार्ड हो, इसका प्रावधान केंद्र की सरकार ने किया था, बाकी राज्य इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है बंधुगण कि दिल्ली की सरकार ने इस विषय को मना कर दिया कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे और आज उन्होंने इस काम को आगे नहीं बढ़ाया है, जिसके कारण हजारों हजार जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, आज वो राशन से वंचित रह रहे हैं, जबकि यह प्रावधान बिना किसी पैसा खर्च के दिल्ली सरकार आराम से कर सकती थी। केंद्र ने इसका सारा प्रायोजन किया हुआ था और केंद्र ने बार बार चेताया है केजरीवाल जी को कि केजरीवाल जी आप वन नेशन वन राशन कार्ड इसको फॉलो करिए, इसको आप बनाइए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो घर घर जाके राशन देंगे और डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे। बंधुगण, ये डोर स्टेप डिलीवरी सही व्यक्ति को हो रहा है कि नहीं, गरीबों के पास ये राशन पहुंच रहा है कि नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? उनका कहना है कि हम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से जान जाएंगे कि डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है कि नहीं। हम आपके अंगूठे ले लेंगे, हम आपका कोई ऐसा बायोमेट्रिक निशान लेंगे जिससे कि ये जो हिसाब है कि सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं, वो हिसाब हमारे पास आ जाएगा। मगर यहां केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को रिमाइंड भी किया है और मैं भी बताना चाहूंगा कि एक पॉइंट ऑफ सेल EPOS मशीन होती है, आपने देखा होगा दुकान में आप जाते हैं तो कई बार उसमें कार्ड स्वाइप होता है, एक मशीन होती है जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड होती है और उसमें जो भी डेटा जाता है वो डेटा सरकार के उच्च अधिकारियों तक, सरकार के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। 2018 के अप्रैल के महीने से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के जो 2000 फेयर प्राइस शॉप है जहां ये राशन वितरित किए जाते हैं, उन्होंने ये जो POS मशीन है, EPOS मशीन है जो इंटरनेट के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें बंद करवा दिया था और सब कुछ एक हाथ की प्रक्रिया से, एक मैकेनिकल प्रक्रिया से आरंभ कराया था। तो आप बताइए, सही गरीब तक जा रहा है या नहीं, ये राशन उचित व्यक्ति तक जा रहा है या नहीं, ये कैसे मालूम पड़ेगा जब आपने POS मशीन ही बंद कर रखा है और अब बहुत कहने के बाद आपने POS मशीन चालू करने की बात। और दिल्ली की जनता को जान के आश्चर्य होगा
छोटे छोटे राज्य जो दूर दराज इलाके में हैं, जिनके पास इंटरनेट की सप्लाई भी नहीं है या कम है, उन छोटे छोटे राज्यों ने पीओएस मशीन लागू कर रखा है। इन छोटे छोटे राज्यों ने इनका 80% से अधिक आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, अर्थात ये जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन जीरो है, अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम? मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते, ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा, और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता, ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है, और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7-8-10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी ने राशन, राशन के घपले, राशन माफिया सबके बारे में बात की। बंधुगण आपको ये याद है ना, ये राशन कार्ड कैसे बनाते थे इनके मंत्री, आपको याद है ना, ये इनके राशन कार्ड मंत्री राशन कार्ड ऐसे बनाते थे, फेवर लेके लोगों से राशन कार्ड बनाते थे। पूरा केस कोर्ट में गया और अरविंद केजरीवाल जी को अपने मंत्री को ही हटाना पड़ा। अरविंद जी, आज आपकी जो उद्गार को हमने देखा, जो आप इतना कह रहे थे कि मैं राशन के लिए बहुत चिंतित हूं और बचपन से ही मैं चाहता था कि दिल्ली की जनता का भला हो, राशन कार्ड तो आपने ऐसे बनाया था, राशन कार्ड बनाने में ही आप घपला करते थे, सेक्सुअल फ्लेवर लेके आपके जो मंत्री हैं वो राशन कार्ड बनाते थे। बंधुगण, आज पार्टी ने हमारे कहा भी है और आपने ट्वीट भी देखा है कि ABCDEF, ये जो अरविंद केजरीवाल के ABCDEF है, हम उसको आज उजागर करेंगे। क्या है अरविंद केजरीवाल जी का ये गवर्निंग मॉड्यूल या उनका जो काम करने का तरीका है? ए क्या है? ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ करना नहीं है, केवल एडवर्टाइजमेंट करना है। आज आप देखते होंगे कि वो जो बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए होंगे और उसके बीच अरविंद केजरीवाल जी मास्क पहन के चल रहे हैं, हर जगह ये फोटो आ रही है, बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रही है, और वो कह रहे हैं ये हम थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ऐसे ही अगर आप सिलेंडर के बीच में मास्क पहन करके सेकेंड वेव से पहले चल दिए होते तो आज सेकेंड वेव ही नहीं होता और ये सारी चीजें नहीं होती। आप उस समय भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आज भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए, 900 करोड़ के आसपास आपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, और दिल्ली वासियों, अगर यही 900 करोड़ रुपए उन्होंने राशन पे खर्च कर दिया होता ना, तो आज घर घर अनाज तो क्या, घर घर फल फ्रूट तक पहुंच गया होता, सबके घर में एक सेब एक अनार भी पहुंच रहा होता, अगर वो वाकई 1000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे नहीं खर्च करते। ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, हर चीज में मोदी जी आपने ऐसा कर दिया, मोदी जी आपने वैसा कर दिया, मोदी जी आपने मुझे ऑक्सीजन नहीं दिया, मोदी जी आपने मुझे रेमडेसिविर नहीं दिया, मोदी जी आपने हमें हॉस्पिटल का बेड नहीं दिया। फिर सुबह उठ के देखो तो टीवी पे चल रहा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने सबको बेड दे दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने सबको ऑक्सीजन दे दिया है, हम घर घर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। अरे आप तो ब्लेम कर रहे थे सुबह से ही कि मोदी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और फिर कैसे आपने घर घर पहुंचा दिया? मोदी जी राशन नहीं दे रहे, राशन क्या दे रहे हैं मोदी जी ने, हमने अभी आपको आंकड़े दिए हैं, मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं आप 2 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं आप 3 रुपए दे रहे हैं, और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, हर चीज में क्रेडिट लेना है जी इनको, बस क्रेडिट। सुबह से उठकर दोनों भाई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो डायरेक्शन में निकल जाते हैं क्रेडिट लेने की डायरेक्शन। अरे आपको तो, आप तो खुद ही बोलते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है,
कोई भी नहीं चाहता है कि दिल्ली सरकार काम करे। मोदी जी आपको सारे अड़ंगे अटका के रखे हुए हैं, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, फिर कैची सी क्रेडिट ले लेते हैं जी। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया जी हमने, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मोहल्ला क्लिनिक है, आप देखिए हर हर गली कोने में मोहल्ला क्लिनिक है। इतना क्रेडिट लिया आपने, फिर निकला क्या? खोदा पहाड़ निकली चुहिया। वो मोहल्ला क्लिनिक का क्या हो रहा है जी, आप बताइए। और तो और मैं तो आपको एक पूरा जजमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा, पहले ABCD कंप्लीट कर। सी फॉर क्रेडिट, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, डी ड्रामा। आज पता नहीं किस, मैं तो मोदी जी आप देखिए लड़ने का समय ही नहीं है जी, हम सबको मिलके काम करना चाहिए जी। हम किसी भी विषय में मैं राजनीति नहीं करता हूं अरे अरविंद केजरीवाल जी, हर विषय में आप केवल राजनीति करते हैं, सुबह से शाम तक राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक हो तो राजनीति। 26 जनवरी के समय तो आप रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे, आपको याद है ना राजपथ पे कैसे रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे कि 26 जनवरी तक नहीं होने दूंगा। और आप बोल रहे हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, हर चीज में राजनीति करते हैं, वैक्सीन में राजनीति, राशन में राजनीति, ऑक्सीजन में राजनीति, बेड में राजनीति, वेंटिलेटर में राजनीति, हर चीज में राजनीति करते हैं। और फिर ऐसा ड्रामा करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं जी, वो सारा कुछ मोदी जी मुझे नहीं करने दे रहे हैं। और ई ABCD तक तो हो गया, ई एक्सक्यूजेस बहाने, हर चीज में आप बहाने देख लीजिए, हर चीज में बहाने देख लीजिए। जब आज स्पष्ट रूप से आपको सरकार ने कहा है कि आप घर घर राशन देना चाहते हैं, स्वागत है, अनाज है गोदाम में, अनाज है, आप आए अनाज खरीदें। और जिस प्रकार भी मुख्यमंत्री घर घर योजना चलाना चाहते हैं, केजरीवाल जी घर घर योजना चलाना चाहते हैं, कौन रोक सकता है जी आपको? आप आइए गोदाम से जो नोटिफाइड रेट है उसमें खरीदिए, खरीद के जाके घर घर बांटिए, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, जो मोदी जी दे रहे हैं उसी में अड़ंगा फंसाना है और फिर बाद में रोना भी है, एक्सक्यूज भी ढूंढना है कि देखो जी मोदी जी ने नहीं करने दिया, अपना सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देना है। और जो एक नेशनल यूनिफॉर्म स्कीम चल रहा है उसको कैसे नहीं होने देना है, ये आपने देखना। ई फॉर एक्सक्यूज, और जब ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर ब्लेम, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रामा और ई फॉर एक्सक्यूज होगा तो स्वाभाविक है एफ फॉर फेल्योर। गवर्नमेंट का पूरा फेल्योर हो गया है, ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना वेंटिलेटर प्रोक्योर किया, ना ऑक्सीजन प्लांट बनाए। कभी कहते हैं इस महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट बन जाएगा, उसके अगले दिन कहते हैं 84 बना देंगे जी, मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है, बन तो एक भी नहीं रहा है। कभी 44 बना देंगे, कभी 64 बना देंगे, कभी 84 बना देंगे, फिर सुबह आके मोदी जी ने बनाने नहीं दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ये ABCDEF के ड्रामा को बंद करिए। और मैं एक विषय भी आपके सामने केजरीवाल जी रखना चाहता हूं, आज आपने एक ऐसी बात कही जो आपको शायद नहीं कहना चाहिए था। देखिए केजरीवाल जी, आपने कहा कि ये जो दुकानदार हैं ये सुपर स्प्रेडर हैं, बिल्कुल नहीं है जी, ये दुकानदार हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। दिल्ली में जितने भी दुकानदार हैं मैं तो उनके पैर को छू के नमस्कार करता हूं जी, बीजेपी तो उनके पैर को छू के नमस्कार करती है। ये दुकानदार हमारे बच्चों को, हमें राशन देते हैं, कोरोना के समय बेचारे इतने दिन तक लॉकडाउन में रहे हैं, आप इनको कह रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है और ये हमारे बच्चों को मार डालेंगे। हमारे दुकानदार हमारे बच्चों को क्यों मार डालेंगे भला? आपने कहा कि मां बाप दुकानों में आ जाएंगे और फिर मां बाप को कोरोना हो जाएगा और फिर हमारे बच्चों को, आप डराते क्यों हैं लोगों को, क्यों डराते हैं? ये अनलॉक की प्रक्रिया तो आप अपने हिसाब से चला रहे हैं ऑड इवन नंबर करके, फिर आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि ये दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर है? कोई दुकानदार सुपर स्प्रेडर नहीं है, वो अपना व्यवसाय कर रहा है, कानून को पालन करके कर रहा है, मास्क पहन के कर रहा है, डिस्टेंसिंग के साथ कर रहा है। और दुकानदारों को गाली मत दीजिए, जो लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले फूंक रहे हैं, वो सुपर स्प्रेडर नहीं है। ये बेचारे दुकानदार जो है ये सुपर स्प्रेडर बन गए। मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी, आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे करें उनका सवाल कैसे ले, अब उनको ले आया क्या वो वाला? उसको ला, वो म्यूट ही था ना।
आप ले आइए वो ना, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। राशन की बात कर रहे हैं, पर ये बार बार होता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी बोला कि उन्होंने चार बार, एक बार नहीं चार बार फाइल भेजी थी एलजी के पास, और एलजी चाहते तो उसको सिर्फ अप्रूव करके भेजना था और डिलीवरी हो जाती राशन की गरीबों को। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इसमें अड़ंगा लगाती है, काम नहीं करने देती। ये बार बार उनका हमेशा से वो एलिगेशन लेवल करते रहे हैं, बट लोग जो है उनको आम भाषा समझ आती है, उन्हें समझ आता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक फाइल भेजी, एलजी ने उसे रिफ्यूज कर दिया, तो ये नहीं देना चाहते। टेक्निकलिटी इसमें हालांकि बहुत होती है, तो कैसे बीजेपी इंश्योर करेगी कि फैक्ट्स एकदम लोगों के सामने रखे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने पूरे फैक्ट्स को आप लोगों के सामने अर्थात देश के सामने रखा है कि किस प्रकार से एक नेशनल स्कीम है जो यूनिफॉर्मली पूरे देश पर लागू होता है। हाँ, अगर इस स्कीम को आप ट्वीक करना चाहते हैं तो इसको ट्वीक नहीं कर सकते हैं, इसमें बदलाव नहीं ला सकते। आप अपनी एक स्कीम, स्टेट की स्कीम चला सकते हैं, जिसके लिए आपको नोटिफाइड प्राइस में जो अन्न अनाज के गोदाम में अवेलेबल है उसे आपको खरीदना होगा। उसमें किसी प्रकार की ना परमिशन की आवश्यकता है और किसी प्रकार की ना अड़चन होने वाली है। मगर आप अगर ये कहेंगे कि जो एक यूनिफॉर्म स्कीम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, उस यूनिफॉर्म स्कीम के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, और उस यूनिफॉर्म स्कीम में जहां चेक्स एंड बैलेंसेस और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके पास ना तो आधार की ऑथेंटिकेशन है, ना आपके पास पीओएस की मशीन है, और ना ही आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक्स्ट्रा चार्ज क्या लगा रहे हैं ये बता सकते हैं, तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं? और ये बिल्कुल एक बहुत वाजिब प्रश्न है जो केंद्र सरकार ने पूछा है। मुझे लगता है बिना उत्तर दिए अरविंद केजरीवाल जी को इस प्रकार से राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो थर्ड वेव के लिए तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा इंटरवीन करना पड़ा है जब जब कोविड की सिचुएशन दिल्ली में खराब हुई है, आपको लगता है बीजेपी की तरफ से क्या ये तैयारी रहेगी कि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्रोच करें, पहले ही थर्ड वेव के लिए तैयार रहें? क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है कि जब जब सिचुएशन खराब हुई है दिल्ली सरकार हमेशा सेंटर की हेल्प उन्होंने सीख की है। आपको लगता है कि दिल्ली अबकी बार थर्ड वेव के लिए सही में तैयार है और उन्हें सेंटर की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, आज मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, अगर दिल्ली की सरकार अभी कह रही है कि वो थर्ड वेव के लिए तैयार है, वो ऑक्सीजन प्लांट्स बना रही है, बेड्स बिछा रही है, वेंटिलेटर्स ला रही है, तो स्वाभाविक है सेकेंड वेव के लिए भी ये सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि आज तो उन्हें कोई रोक नहीं रहा है। उसका अर्थ है उन्हें पहले भी कोई नहीं रोक रहा था। क्या कारण था कि सेकेंड वेव के लिए दिल्ली की सरकार तैयार नहीं थी, बावजूद इसके कि सेकेंड वेव की वार्निंग मोदी जी की सरकार ने उन्हें मार्च के महीने से पहले दे दिया था। पांच छह बार चिट्ठी लिख के केंद्र की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को चेताया था कि दूसरा वेव आएगा, उसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। अगर यही तैयारी जो आज वो दावा कर रहे हैं कि थर्ड वेव के लिए वो कर रहे हैं, यही तैयारी वो सेकेंड वेव के लिए करते, तो जितने लोगों की मृत्यु हुई है दिल्ली में, जिसका सर्वाधिक केस फेटेलिटी रेट रहा है, आज ये लोग हमारे बीच में होते और इतने परिवार आज इतने दुख से नहीं गुजर रहे होते। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज भी एडवर्टाइजमेंट और दिखावा की राजनीति कर रहे हैं। सर, एक सवाल राहुल गांधी पे भी, उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है और कोविड का टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। देखिए, राहुल गांधी जी मुझे लगता है केवल ट्विटर ट्विटर ही खेलते रहते हैं। राहुल गांधी जी के लिए ट्विटर पे ही राजनीति करना उनका राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमें लगता है गरीबों के बीच राशन देकर, हमें लगता है जिस प्रकार से इतने बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को भारत की सरकार ने चलाया है, वो अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बाहर रियल प्लेटफॉर्म में उतर करके काम करने की आवश्यकता है, और हम तो सुझाव देंगे राहुल गांधी जी को कि आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर जो कांग्रेस शासित राज्य है जिनमें घपले घोटाले हो रहे हैं वैक्सीन को लेकर, कहीं जमीन पे गाड़ दिया जा रहा है, कहीं डस्टबिन पे फेंक दिया जा रहा है, तो कहीं पर जो वैक्सीन सरकारी रेट पे प्रोक्योर किया जा रहा है वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं बेचने के लिए, प्रॉफिटियरिंग करने के लिए, वो इन विषयों पे जरा फोन उठा करके अपने मुख्यमंत्रियों से बात कर ले, उसके बाद ट्वीट ट्वीट करते रहे वो अलग विषय है, पहले फोन उठाकर बात कर।